मैं आपके समक्ष मकर संक्रांति त्यौहार पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पतंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घरों में स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयाँ, बर्फी, तीखे लड्डू, पकौड़े आदि बनाए जाते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से सूर्य देवता भी खुश होते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार पर लोग पतंग उड़ाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। मकर संक्रांति के त्यौहार के लिए लोग बहुत खुश और उत्साह के साथ मनाते हैं। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर पल सुख हर दिन शांति, हर पल सुख हर दिन शांति, सबके लिए ऐसी हो मकर संक्रांति। धन्यवाद।